गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर अला पंजाब उस्मान बुज़ार की मजार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। हजूरी बाग के मरकजी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, सूबाई वजरा, चीफ कमिश्नर, डीसी लाहौर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि पाकिस्तान कायद का ख्वाब है, इसे पूरा करके रहेंगे। गवर्नमेंट शोहदा आईपीएस हाई स्कूल में जश्न आजादी की तकरीब, तलबा और तालिबात की जानिब से टैबलोज और खाके पेश किए गए। सेशन कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब, सेशन जज लाहौर ने परचम कुशाई की। मुल्की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। और लेक सिटी में यौम आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब, सीएफओ रिजवान अकबर ने परचम लहराया। जीएम मेजर रिटायर्ड इमरान जई, कर्नल रिटायर्ड सफदर अली शाह समेत दीगर मकीमों की शिरकत। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर अला पंजाब उस्मान बुज़ार की मजार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। हजूरी बाग के मरकजी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, सूबाई वजरा, चीफ कमिश्नर, डीसी लाहौर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि पाकिस्तान कायद का ख्वाब है, इसे पूरा करके रहेंगे। गवर्नमेंट शोहदा आईपीएस हाई स्कूल में जश्न आजादी की तकरीब, तलबा और तालिबात की जानिब से टैबलोज और खाके पेश किए गए। सेशन कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब, सेशन जज लाहौर ने परचम कुशाई की। मुल्की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। और लेक सिटी में यौम आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब, सीएफओ रिजवान अकबर ने परचम लहराया। जीएम मेजर रिटायर्ड इमरान जई, कर्नल रिटायर्ड सफदर अली शाह समेत दीगर मकीमों की शिरकत।